माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एवं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी के द्वारा जो आज मुझे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई है, तो मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। आप लोगों बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं राजनीतिक जीवन शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि सामाजिक व्यापारिक जीवन में पूरी शिद्दत से काम किया, उसके बाद आम आदमी पार्टी भी मैंने ज्वाइन करी, वहाँ पर भी जो जिम्मेदारियाँ मुझे मिली उनको भी मैंने अपनी पूरी क्षमताओं के साथ निभाया। आज भारतीय जनता पार्टी में एक सदस्य के रूप में सदस्यता लेने के बाद मैं चाहूँगा कि उत्तराखंड प्रदेश में युवा और यशस्वी और एक विजन वाले मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी के हाथ में जो प्रदेश की बागडोर दी गई है और जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रथम कार्यकाल में जो फैसले किए, तो तब भी मन में कहीं ना कहीं कुछ होता था और लगता था कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पाएंगे, जिसमें एक अहम फैसला सर्वप्रथम उन्होंने उत्तराखंड की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए देवस्थलम बोर्ड पर जो उनका फैसला था वास्तव में पूरे उत्तराखंड की जनभावनाओं का फैसला था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने द्वितीय कार्यकाल में, उसमें कहने की जरूरत नहीं है, देश के अंदर 93% वोट परसेंटेज लेकर जो जीत हासिल की है, चंपावत की सम्मानित जनता ने जो जीत दी है, उसके बाद कुछ कहने के लिए बाकी रह नहीं जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस युवा सोच के साथ प्रदेश के हितों को ध्यान में रखकर कार्य कर रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए कि मैं एक दूसरी राजनीतिक पार्टी का सदस्य बनकर विरोध की राजनीति करता रहूं, ये कहीं ना कहीं मेरे आत्मा और मन को कचोटता था। रही बात आम आदमी पार्टी की, मन द्रवित हुआ चार दिन पहले एक घटना को देखकर, बहुत द्रवित हुआ। पाकिस्तान में जब एक घटना घटी और उसका वीडियो यहां तक पहुंचा, जिसमें एक हिंदू महिला को बालों से खींचकर अपहरण किया जा रहा था और भगवान बजरंग बली जी के मंदिर को तोड़ा जा रहा था, और उसमें आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी ने मुझे परेशान कर दिया, और उसके बाद मुझे लगा कि राष्ट्रवाद कहने से या खाली रंग दे बसंती गाना चलाने से